इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने 34वीं बटालियन धार में पदस्थ आरक्षक ईश्वर सिंह योगी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इंदौर के अरण्य नगर में रहने वाले योगेश ठाकुर ने लोकायुक्त को शिकायत की थी कि आरक्षक ईश्वर सिंह योगी ने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की नौकरी लगाने के नाम पर 8 लाख रुपए की मांग की थी। फरियादी से सौदा तय होने पर 1.5 लाख की पहली किश्त पोलो ग्राउंड पर देना तय हुआ था और बाकी रुपए 2 किश्तों में देना तय हुआ था। जैसे ही फरियादी ने रिश्वत के 1.5 लाख रुपए आरक्षक को दिए, वैसे ही टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम उसे लेकर लोकायुक्त कार्यालय पहुंची और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की। ये स्कीम नंबर 78 में अरण्य नगर के रहने वाले हैं योगेश ठाकुर। इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की जा रही थी कि जो है कोई पुलिस वाले हैं वो इनसे यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की नौकरी लगाने के लिए 8 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत का जो है सत्यापन कराया गया था और उसमें सत्यापन के दौरान ये हुआ था कि इनसे उसमें 8 लाख रुपए मांगी जा रही थी, जिसमें 1.5 लाख रुपया एक किस्त के रूप में और उसके बाद 2 और किस्तों में बाकी की राशि देने का तय हुआ था। उसी पे आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और अभी जो पोलो ग्राउंड के पास 34 बटालियन में पदस्थ हैं ईश्वरनाथ योगी आरक्षक, जिनकी अभी तैनाती कोतवाली कंपनी इंदौर में है, इनको प्रथम किस्त के 1.5 लाख रुपए की राशि लेते हुए नौकरी लगाने के एवज में 1.5 लाख रुपए की राशि लेते हुए अभी ट्रैप किया है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत इन पे कार्रवाई की है। आरक्षक 34वीं बटालियन में है और कोतवाली कंपनी इंदौर में पदस्थ है।